वेलकम टू माय चैनल पार्ट टू फिजिकल लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम कि मैंने कल बताया था आपको कि किस तरह से ये लॉन्गिट्यूड लाइन पे स्थित है 30 डिग्री से 35 जो है नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से नॉर्थ की तरफ कैसे है 30 से 35 है, और अगर पूर्व की तरफ लें, पश्चिम से पूर्व की तरफ लें लॉन्गिट्यूड लाइन पे स्थित है 75 डिग्री से लेकर 79 की नॉर्थ तक जो है इस तरह से ये जो लाइने आती है आपको देखने को मिले। तो मैंने स्थिति बताई थी आपको, तो आज मैं इसका टोटल एरिया आपको बताना चाहती हूँ। फिजिकली ही मैं आपको बता रही हूँ 55,673 वर्ग किलोमीटर, ये जितनी भी 12 डिस्ट्रिक्ट पड़ती है इस एरिया के अंदर पड़ती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इसकी आउटर बाउंड्री है ये 1170 किलोमीटर है, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ 200 किलोमीटर बाउंड्री बनाती है, जो कि तिब्बत है जो चाइना के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि कितनी किलोमीटर जो है आपकी अन्य राज्य और डिस्ट्रिक्ट से जो है यूटी से जो है हमारा हिमाचल प्रदेश बाउंड्री बनाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि छः जो है आपके यूटी और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर जो है ये क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो मुख्य भूमि का आएगा तो 970 किलोमीटर आएगा, अगर इंटरनेशनल विथ इंटरनेशनल आएगा तो क्या आएगा 1170, क्योंकि 200 में यहाँ किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ जो चीन का जो तिब्बत का जो है एरिया लगता है 200 किलोमीटर यहाँ पे ये बाउंड्री बनाता है। तो साथ ही मैं आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल का हार्ट किसे कहा जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो ये है प्यारा सा हमारा कुल्लू। तो हार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कुल्लू को कहा जाता है क्योंकि सेंटर में है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हिमाचल प्रदेश है इस तरह से जो है क्या है, तो उत्तर में 2 यूटी पड़ते हैं और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिम में हमारा पंजाब है और साउथ में जो पड़ने वाली जो स्टेट है वो हरियाणा है, और उसके साथ में जो 5-6 किलोमीटर की जो बाउंड्री बनाता है वो कौन सा राज्य बनाता है, उत्तर प्रदेश, और आपका उत्तराखंड जो है आपका पूर्व दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इस तरह से आपको लोकेशन का पता चलेगा, और मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि सबसे पहले आपको इस देश की जो है स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि कितनी है। तो 28 हमारे पास राज्य हैं और 8 ही यूटी है। आपको पता होगा कि 2000 में जो है हमारा 2014 में जो है क्या है हमारा तेलंगाना राज्य बना था, तो वो 29वां राज्य बनकर आया था, लेकिन आपको पता होगा और आप इसको थोड़ा सा पेन डाउन भी कर ले कि हमारा जो है 5 अक्टूबर 2019 को आपको पता होगा कि संसद में एक बिल पारित हुआ था जिसके कारण जो है आपका जम्मू कश्मीर है ये क्या है यूटी में कन्वर्ट हो गया था, और यूटी में कन्वर्ट होने के बाद जो है इसको क्या है घोषित कब से किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको घोषित किया गया। इसके पीछे थोड़ी सी बैक में हिस्ट्री ले जाऊं, जो हमारे भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाने वाले कौन है, वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री रहे हमारे आजादी के बाद, तो उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे जो रजवाड़े कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, तो उन्होंने सेना के बल पे क्या है भारत में उनको मिलाया था। तो इसी तरह से उनके जन्म के दिवस के दौरान के साथ ही जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है हमारा जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें से जो है एक आपका जो है क्या है जम्मू कश्मीर है, दूसरा आपका लद्दाख है। तो इस तरह से जो अगर टोटल पूछा जाए तो कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य लगते हैं, तो 4 आपके स्टेट आएंगे इसके साथ और 2 आपकी यूटी आएगी। तो आपको समझ आ गया होगा तो ये किस तरह से इसकी बैक जो है हिस्ट्री रही है। जो वल्लभ भाई पटेल है इनकी सबसे बड़ी जो है मूर्ति भी आपको पता होगी कि अहमदाबाद नगर नर्मदा नदी तट पे जो है स्थित है। तो आपको इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि 55,673 जो वर्ग किलोमीटर है ये भारत का जो एरिया है 32,83,263 वर्ग किलोमीटर, उसका जो है ये 1.7% है, 1.7% है। तो भारत में स्टेट में कौन से एरिया में आएगा, तो आपको होगा कि जब हमारा जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुआ था और तेलंगाना नया राज्य बना था तो ये 18वें स्थान पे चला गया था, लेकिन जैसे ही तेलंगाना और यूटी में ये कन्वर्ट हो गया जम्मू कश्मीर, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का 1,00,000 से अधिक जो है एरिया है, जिसके कारण फिर से ये 17वें स्थान पे। आपको अगर याद करने के लिए तो 1.7% जो है हमारा क्या है एरिया भारत का पड़ता है, और इसी के साथ जो है हमें पता चलना चाहिए 1.7 17 के देखने में सिमिलर लगते हैं, अगर हम 1.7 को लिखे और 17 को लिखे तो आपका 17वें स्थान पे। और जनसंख्या में देखिए तो जनसंख्या आपको याद करने के लिए मैं बता सकती हूँ कि जैसे
2021 में इसकी जनगणना होनी थी, तो भारत की स्थिति जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर पे है, तो 21 स्थान पे है। तो ये थोड़ा सा जो है लेटस भी मतलब लर्न करने के लिए है कि हम इसको याद कर सकते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर याद करने के लिए कि हाँ 21वीं जनगणना होनी थी, 21 स्थान पे जो है क्या है हमारा ये, तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से ये स्थित है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो पूर्व में हमारा कौन है, किन्नौर है, पश्चिम में हमारा कांगड़ा है, और उत्तर में आपके दो राज्य लाहौल स्पीति और चंबा देखने को मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर आपका सदरन पार्ट में पड़ता है, जिसकी बाउंड्री जो है इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हाँ पश्चिम में कौन सा राज्य लगता है, तो पंजाब लगता है, और सदरन में कौन सा लगता है, हरियाणा, और नॉर्थ में कौन सा है, जम्मू कश्मीर, दो यूटी है, और पूर्व पश्चिम में जो देखने को दक्षिण में मिलेगा वो आपका उत्तराखंड है। तो अगर आपको मेरा चैनल मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।